हेलो गाइस, तो सैमसंग ने 4 जून 2020 को अपना सैमसंग A31 रिलीज कर दिया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस, इसका प्राइस और इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डाइमेंशंस के बारे में। गाइस अगर देखा जाए तो इसकी बॉडी एंड इसका डिजाइन मोस्टली सिमिलर है बाकी ए सीरीज के वेरिएंट से, लाइक सैमसंग A51। और साथ ही आपको इसका वेट मिल जाता है 185 ग्राम्स का और इसकी थिकनेस होने वाली है 8.6 mm की। साथ ही गाइस इस फोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो रही बात इस फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन में आपको वही सैमसंग वाली डिस्प्ले मिलती है, मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि होगी 6.4 इंचेस की। साथ ही आपको 16 mm कलर्स की डेप्थ भी मिल जाती है। और गाइस इसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 1080x2400 पिक्सल का। साथ ही आपको 411 VPI की पिक्सल डेंसिटी भी मिल जाती है। और अगर हम इसकी स्क्रीन और बॉडी का रेशियो करें तो वो होने वाला है 84.9% का। साथ ही गाइस इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 10, और साथ ही आपको यूजर इंटरफेस मिल जाता है One UI 2.0 का जो कि सैमसंग का कस्टम यूजर इंटरफेस है। अब बात आती है इसकी स्टोरेज की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मेमोरी कार्डिंग मिलने वाले हैं जो कि होंगे 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB RAM प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड जिसका सबसे बड़ा वेरियंट होगा वो होगा 6GB RAM प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। साथ ही इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए आपको एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट का फीचर भी इस फोन में मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है, यानी कि 4 कैमरे इस फोन में आपको मिलने वाले हैं जो कि होंगे 40 MP का वाइड एंगल कैमरा प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 5 MP का माइक्रो कैमरा प्लस 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 FPS। साथ ही आपको LED फ्लैश, पैरानोमा एंड HDR जैसे फीचर भी इस फोन में मिल जाते हैं। तो अब बात आती है इसकी सेल्फी कैमरे की, तो इस फोन में आपको मिलने वाला है 20 MP का वाइड एंगल कैमरा जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 FPS। साथ ही आपको इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलने वाला है। तो रही बात इस फोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन आपको मिलने वाला है MediaTek Helio P65 वाला प्रोसेसर। बट गाइस होनेस्टली मैं आपको बताऊं, इसके प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर काफी छोटा है, मतलब सैमसंग जितना इस फोन के लिए पैसे ले रहा है उस हिसाब से इसका प्रोसेसर सैमसंग को अच्छा देना चाहिए था एज कम्पेयर टू इट्स करंट प्रोसेसर। तो चलो गाइस वैसे भी हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, तो बात करते हैं इसकी कुछ बाकी स्पेसिफिकेशंस की। जैसे कि फिंगरप्रिंट आपको इस फोन में मिल जाता है अंडर डिस्प्ले, साथ ही इस फोन की बैटरी होगी 5000 mAh की जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है 15W की। तो गाइस बात करें इस फोन के प्राइस की, तो इसका जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर है अभी फिलहाल 22,000। तो बस गाइस इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।